हरे हरे महादेव मित्रों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एच नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने वाला बंधन कैसा रहेगा। मित्रों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो लाइक कर दें एवं वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दें एवं वीडियो सुने, क्योंकि यह वीडियो एच नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। मित्रों, एच नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में एक समानता ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इस नाम के दोनों जातक अलग अलग तत्व वाले होते हैं। इन दोनों की मूल प्रवृत्ति एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होती है। मित्रों, आपको बता दें कि इस नाम के दोनों जातक वायु तत्व एवं जल तत्व वाले होते हैं एवं इस कारण से इन दोनों के बीच में बनने वाला संयोजन बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। मित्रों, यदि आर नाम वालों की बात करें तो आर नाम वाले लोगों को हमेशा अपने जीवन में पार्टी करना, मौज मस्ती करना, नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों से दोस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन यदि एच नाम वालों की बात करें तो एच नाम वाले जातक अपने घर पर समय बिताना, अपने घर वालों के साथ में समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एवं ऐसे हालात में इन दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एच नाम वाले जातक अपने प्रेम जीवन या अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। मित्रों, एच नाम वालों के इस स्वभाव से आर नाम वाले जातक बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मित्रों, एच नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक इन दोनों की अच्छाई एवं इन दोनों की बुराई जानने के बाद यदि आपके दाम्पत्य जीवन या आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आप दोनों के बीच में बनने वाला बंधन सामान्य रहेगा। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो लाइक कर दें एवं वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। धन्यवाद।